अरे आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हाँ। कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? हाँ। जैसे तो पूरा देश चल रहा है यहीं पे। हाँ। लेकिन इतना जो खुल्लम खुल्ला हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या खुल्लम खुल्ला? क्या आप इतने नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, SDM हैं, ये सब नहीं करते हैं क्या? सब करते हैं। क्या करते हैं? यही सब जो आप बोल रहे हैं। ज्योति मौर्य को SDM पद तक कौन पहुँचाया था ये बताइए आप। ज्योति मौर्य को SDM पद तक तो आलोक भाई ने पहुँचाया है। हम लोग आलोक भाई भाई के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक पुरुष, पहले सुनिए मेरी बात, अगर एक पुरुष एक अपनी पत्नी को अगर किसी दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ ले तो वो क्या करेगा, आप बताइए। अरे वो तो जिंदा है, बस यही जान लीजिए। हाँ? कई पत्नियां भी खराब होती है, कहीं कहीं पति, एक एक से पति ऐसे नालायक है कि बीवी बेचारी घर में इतना परेशान है और नौकरी भी है, दूसरे के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हाँ, पति करता है तो फिर उनको ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है। मान लो आई लव यू अपने किसी फ्रेंड को भी भेजी हो, अपने बहन को भी भेज सकती है, माँ को भी। मनीष दुबे को भेजी थी जिनके साथ उनका प्रकरण था। आप अच्छा बताइए, नहीं उसका पूरा रियल देखे हैं व्हाट्सएप में, मनीष दुबे को भेजी। हाँ, मनीष दुबे का चैट वो पूरा सार्वजनिक किया गया। अच्छा ये बताइए, आपके भी शादी, आप किसी को आई लव यू बोलती हैं? बिल्कुल बोलते हैं। किसको बोलती? अपने बहन को बोलता है, माई भाई को बोलता है, बच्चों को बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PG न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और आपको बता दें कि लोक गायिका इस समय हमारे साथ काजल मौर्य जी हैं। अगर हम बात करें तो हम आए थे चिरई गांव में, जहां से ज्योति मौर्य निकलकर SDM पद तक पहुंचती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उन्होंने आलोक को इस प्रकार धोखा देती हैं जो कि पूरे समाज में निंदा की चर्चा होने लगती है। अगर हम बात करें इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक अगर कोई चर्चा हो रही है तो वो केवल चर्चा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की। बच्चा ये चर्चा कर रहा है। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ काजल मौर्य जी हैं और शायद ये ज्योति के कुछ रिलेशनशिप में आती हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य और काजल मौर्य हम जानने की कोशिश करेंगे। ज्योति काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका PG न्यूज। सबसे पहले आपके जितने PG न्यूज के दर्शक देखते हैं सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। प्रणाम। अच्छा ये बताइए, प्रणाम नहीं, आज जनता ये जानना चाहती है कि ये ज्योति मौर्य जो की हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं, सब लोग बता रहे हैं दूरी दूरी से कोई रिश्ता है, तो ये बताइए ज्योति मौर्य ने जो आलोक के साथ किया है ये सही है या गलत है? अब क्या बताएं हम, अब तो दुनिया जो कह रही है वो क्या बताएं मैं। हाँ। अब घर की हो चाहे बाहर की हो। हाँ। लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। यहाँ तो गलत हैं। कौन गलत है, ज्योति मौर्य गलत है या आलो? ज्योति मौर्य गलत है यहाँ। हाँ, पे हाँ, हाँ। ज्योति मौर्य यहाँ गलत है। हाँ। गलती की है। अच्छा ये बताइए काजल जी, आप भी एक महिला हैं और एक ज्योति मौर्य भी एक महिला हैं, अगर वो पढ़ लिख कर SDM पद पर पहुंच जाती हैं, क्या आपको लगता है कि शादीशुदा महिला को एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अरे आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हाँ। कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? हाँ। जैसे तो पूरा देश चल रहा है यहीं पे। हाँ। लेकिन इतना जो खुल्लम खुल्ला हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या खुल्लम खुल्ला? क्या आप इतने नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, SDM हैं, ये सब नहीं करते हैं क्या? सब करते हैं। क्या करते हैं? यही सब जो आप बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन बात यह है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए ना, करता तो सभी लोग है ना। लेकिन करता है सब अपने के साथ करता है, किसी दूसरे के साथ करता है? अब दूसरे के साथ तो दुनिया करता है ना। अपने के साथ तो लोग करते ही हैं, दूसरे के साथ कर रहे हैं तभी ना हो रहा है। हाँ। तो तब ये सही है या गलत है? गलत ये समाज पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये? समाज पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है, नहीं करना चाहिए ना, वही तो हम भी कह रहे हैं ना। हाँ। ज्योति मौर्य को SDM पद तक कौन पहुँचाया था ये बताइए आप। ज्योति मौर्य को SDM पद तक तो आलोक भाई ने पहुँचाया है। हम लोग आलोक भाई के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ? अगर एक पुरुष, पहले सुनिए मेरी बात, अगर एक पुरुष एक अपने अपनी पत्नी को अगर किसी दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ ले तो वो क्या करेगा, आप बताइए। अरे वो तो जिंदा है, बस यही जान लीजिए। हाँ। नहीं करना चाहिए ना ज्योति भाभी को ऐसा। लेकिन हम लोग क्या बताएं, हम तो आलोक भाई के साथ हैं, आलोक भाई को न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग यही कहेंगे ज्योति भाभी को निलंबित करना चाहिए। हाँ, शायद हो ही गई। हाँ, निलंबित हो गई। हाँ, हो सूचना मिली आप? हाँ, हम तो देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सरासर बहुत धोखा है। आलोक भाई कैसे जी रहे हैं एकदम, क्या बताएं, रो रो उनका बुरा हाल है, परिवार एकदम बेकार हो गया है उनका। और दो बच्ची है, सोचिए उनका क्या हुआ।
काजल, एक अहम और बड़ा सवाल आपसे करेंगे कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक उन तमाम बहुओं को घर बुला लिया गया है, अब लोग कह रहे हैं कि बीवी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और अब उनसे हम चूल्हा चौका और बर्तन करवाएंगे। ये बताइए कि जो लड़कियां ये सोचती थी कि हम पढ़ लिख कर IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, आप अपना इस पर विचार क्या रखती हैं? उन लोगों को पढ़ने के लिए फिर से भेजा जाए या अब जो पुरुष हैं वो अपने पत्नियों पर विश्वास नहीं करेंगे? देखिए, सब ऐसे नहीं होती हैं औरतें, लेकिन बात यह है कि सारे पुरुषों का मनोबल टूट गया है, विश्वास टूट गया। हर पति यही सोचता है कि हमारी भी बीवी पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो हमको नहीं समझेगी, धोखा दे देगी या कुछ भी, मनोबल सारे पति का टूट गया है, ठीक है। लेकिन हर पत्नियां ऐसे नहीं होती हैं और हर मर्द भी ऐसे। देखो, हम मानते हो कि ज्योति यहाँ गलत है, आलोक सही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पत्नियां सही होती हैं, पति मतलब गंदे नहीं होते। हाँ, तो ऐसा भी है, कहीं कहीं पत्नियां सही होती हैं, पति पत्नियां सही होती है, ऐसा नहीं है कि सारे पति भी होते हैं, कहीं कहीं पत्नियां भी खराब होती हैं, कहीं कहीं पति एक एक से पति ऐसे नालायक हैं कि बीवी बेचारी घर में इतना परेशान है और नौकरी भी है, दूसरे के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन हाँ, पति करता है तो फिर उनको ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। आदमी कहता ना कि 1000 गलती होता है माफ कर देते हैं, लेकिन जब औरत कोई काम करती है ना तो आदमी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उसे वो माफ कर दे। लेकिन हाँ, ज्योति ने यहाँ एक गलत किया है कि जो आलोक भाई को तलाक दे दी है और इस तरह से मतलब मनीष दुबे के साथ ऐसा उन्होंने किया, इतना उसको ओपन किया, बदनामी इतना हुआ। 2010 में शादी होती है, 2015 में वो PCS अधिकारी बन जाती हैं और 2023 में ये मामला पकड़ा जाता है, उनका व्हाट्सएप पे चैट में आई लव यू लिख के भेजती है। बताइए, शादी शुदा औरत आप भी, अच्छा मान लो आई लव यू अपने मान लो किसी मतलब फ्रेंड को भी भेजी हो, अपने बहन को भी भेज सकती है, माँ को भी, मनीष दुबे को भेजी थी जिनके साथ उनका प्रकरण था। आप अच्छा बताइए, नहीं उसका पूरा रियल देखे हैं व्हाट्सएप में, चैट मनीष दुबे को भेजी, हाँ मनीष दुबे का चैट वो पूरा सार्वजनिक किया गया। अच्छा ये बताइए, आपकी भी शादी, आप किसी को आई लव यू बोलती हैं? बिल्कुल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अपने बहन को बोलता है, माई भाई को बोलता है, बच्चों को बोलता है, और किसी को तो नहीं बोलता, और किसी को कौन बोले? आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि हर गंदा ही होता है, आई लव यू आदमी हर किसी को बोलता है, लेकिन उसका सोचने का नजरिया अलग होना चाहिए। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि आई लव यू हम किसी से बोल दे तो गलत हो गया, आई लव यू तो हम अपने दर्शक को भी बोलते हैं तो क्या गलत है? बस नजरिया, दर्शक नहीं, दर्शक आप सामूहिक बोल सकते हैं, लेकिन चैट पे अगर कोई पर्टिकुलर एक लोगों से बोलता है तो वहाँ कुछ और लोग मतलब निकालने लगते हैं, इस पर क्या कहना? यहाँ पे गलत है, ज्योति भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है सरासर एकदम। बताइए वो बच्चियों के बारे में, ये बताइए उनकी एक डायरी की चिट पकड़ी गई थी, उस चिट में ये पूरा दिखाया गया है कि वो कहाँ से कितना पैसा घूस लेती है, इस पर क्या कहना है? करप्ट एक SDM पद पर बैठी हुई अधिकारी, इसका भी उन्होंने डायरी सार्वजनिक किया, हम दिखा सकते हैं आपको। आप देखे हैं? हाँ देखे हैं भाई, डायरी देखे हैं, और यहाँ तक आपको बता दें कि सोराव तहसील में वो SDM थी, वहाँ पे थी ना, आपको पता है, आप भी प्रयागराज से हैं, ये प्रयागराज से ये रिश्तेदार हैं, आपको बता दें ये रिश्तेदार हैं, ये ज्योति मौर्य के रिश्तेदार हैं और इसीलिए उनका पक्ष खींच रही हैं। और आपको बता दें कि ये सोराव तहसील में SDM थी, इन्होंने एक महिला से घूस खाया, वो मेरे चैनल पे आके बोली है। बताइए घूस कौन नहीं खाता है ये बताइए पहले, घूस कैसे आप कहेंगे घूस सब खाते हैं, कौन नहीं खाता, कौन खाता है बताइए? कोई भी चाहिए, कोई नौकरी जाइए, जहाँ जाइए, हर कोई प्या पुलिस थाने चौकी नहीं पुलिस घुस खा, लोग नहीं खाते हैं ना, कुछ ईमानदार नेता, इसीलिए तो नाम बिगड़ गया। हम देखे हैं ना, आप देखे हैं, तो क्या बताएं इसके बारे में? वो बता रही थी ना, तो हो सकता है अगर आप कुछ किए रहेंगे तो आप बताएंगे उसको, माना तो हाँ तो ठीक है ना, जब उनसे ली रही होंगी तो वो सच बता रही है। जाते जवाते दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं काजल भौजी गुस्सा आ गई। अब सबसे ज्यादा तो हम यही कहेंगे भाई, हम तो आलोक भाई के साथ हैं, हम आलोक भाई के साथ हैं। हर गाना कौन लांच भबो का सुनाई दे रहा है, छमार गाना भाई, अब काजल मौर्य ऑफिशियल पे अभी 2 घंटा हुआ है दोस्तों, बनते SDM तू तपाई गैलू मौका का कमी रहे ज्योति, जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति, बनते SDM तू तपाई गैलू मौका का कमी रहे ज्योति, जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति। बता दें आपको, ये काजल मौर्या जी हैं, ये लोक गायिका हैं और ये ज्योति मौर्या की रिश्तेदार हैं, और आपको बता दें कि लगातार अपने पक्ष को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आलोक भाई के साथ में हैं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और हमारी बातचीत इनकी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।